एक नोटिफिकेशन सर्कुलेट हुई, उस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद हमारे जो वकला साहिबान हैं, बार एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, सोसाइटी के जो लोग हैं, उन सब लोगों ने एक वॉइस से अपना रिएक्शन, ये जो प्रॉपर्टी टैक्स इम्पोज करने की नोटिफिकेशन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने निकाली है, इसके खिलाफ लोगों ने अपना रोष जो है वो एक्सप्रेस किया है। उसी चीज़ को सामने रखते हुए बार एसोसिएशन ने आप लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया कि बार एसोसिएशन इस एसओ को जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने निकाला है, इसकी स्ट्रांगली इसको कंडेम करती है और एडमिनिस्ट्रेशन को कहती है कि इसको इमीडिएटली विड्रॉ करना चाहिए। अगर इसको ये विड्रॉ नहीं करेंगे तो ये जो इशू है ये स्ट्रीट्स में जाएगा, पब्लिक में जाएगा और हम एक एक घर जा कर के जो वकला साहिबान है इस इशू को वापस लेने के लिए गवर्नमेंट को मजबूर करेंगे। और इस एडमिनिस्ट्रेशन को हम ये अपील करना चाहते हैं कि आप अपने आप इस एसओ को विड्रॉ कर लीजिए और इस इशू को आगे मत बढ़ाइए। हमारी जो यूटी के लोग हैं, चाहे वो जम्मू हो, चाहे श्रीनगर हो, चाहे लद्दाख हो, आप तीनों रीजन्स के जो पुरानी हमारी स्टेट के लोग थे उन लोगों से आप किसी भी इशू पे इंटरेक्ट करिए, लोग हर एक साइड पे अफेक्टेड हैं, हर एक एरिया में लोग दुखी हैं। आप रूरल एरियाज़ में जाइए, लोगों का लाइवलीहुड जो है वो एग्रीकल्चर लैंड थी, जो लोग 70 साल से ज़मीन पे काबज थे आप लोगों ने उनकी ज़मीनों में जा कर के बोर्ड लगा दिए हुए हैं, उसको स्टेट लैंड डिक्लेयर कर दिया। जो गरीब लोग हैं, अगर किसी ने अपना एक शेल्टर बनाया हुआ था आप वो उनको तोड़ रहे हो। वन आफ्टर दी अदर जो इंस्टांसिस पब्लिक के नोटिस में आ रहे हैं, वकला साहिबान के नोटिस में आ रहे हैं, ये जो इंस्टांसिस हैं, ये जो इश्यूज हैं, ये टोटली एंटी पब्लिक हैं और इन एंटी पब्लिक इश्यूज को बार एसोसिएशन स्ट्रांगली कंडेम करती है। और प्रॉपर्टी टैक्स, ये देखिए, ये मैं ये कहूंगा दिस इज टैक्स टेररिज्म। आप बेसिकली गरीब आदमी को, मिडिल क्लास लोग जो हैं, उन लोगों को पे ये फाइनेंशियल एक बर्डन जो है उन पे डाल रहे हो। हम लोग ये उम्मीद करते थे शायद ये रीऑर्गेनाइजेशन के बाद हमारी ये यूटी जो है जम्मू श्रीनगर, पर्टिकुलरली जम्मू के लोग ये महसूस करते थे कि हमको पता नहीं क्या मिलने जा रहा है। अल्टीमेटली अगर आप ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखें, जिस दिन रीऑर्गेनाइजेशन हुई उसके बाद फाइनेंशियली जम्मू सूबे के लोग, मैं जम्मू ही नहीं कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ कश्मीर सूबे के लोग भी और लद्दाख रीजन के लोग भी, जिनको आपने इंडिपेंडेंट यूटी दी, उनको भी वो कोई दिल्ली जा करके एजिटेशन कर रहा है, कोई जम्मू में एजिटेशन कर रहा है, कोई श्रीनगर में एजिटेशन कर रहा है। तो एजिटेशन लोग तभी करते हैं जब लोग डिससेटिस्फाइड होते हैं, लोग ये महसूस करते हैं कि इन फैसलों से हम मुतफिक नहीं हैं, इसीलिए हम एजिटेशन कर रहे हैं। तो मैं आपके मीडियम से एडमिनिस्ट्रेशन को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जम्मू के लोगों को, जम्मू की पब्लिक को, जम्मू के वकला साहिबान को, जम्मू की आवाम को, जम्मू के मुलाजमों को आप मत डिस्टर्ब करिए, नहीं तो हर एक फील्ड में, हर एरिए में आप देखिए आज की डेट में अनरेस्ट है, अशांति है, लोग पीसफुल लाइफ नहीं लीड कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है। आप कोई एरिया देख लीजिए, हर एक एरिया में लोग अपसेट हैं, डिस्टर्ब्ड हैं और इस डिस्टर्बेंस को दूर करने का एक ही तरीका है कि लोगों के मसाइल जो हैं उनको हल करिए, लोगों से बातचीत करिए। देखिए ये जो टैक्स, ये जो एसओ निकाला है, इस एसओ को निकालने से पहले मैं जम्मू के मेयर जो हैं उनका स्टेटमेंट सुन रहा था, आप प्रेस के लोग हो सकता आपने भी उनसे बात की होगी, वो ये कह रहे हैं जी ये एसओ निकलने के बाद हम अपनी काउंसिल की मीटिंग बुलाएंगे। काउंसिल की मीटिंग तो पहले होनी चाहिए थी, लोगों की राय, वो एक इलेक्टेड बॉडी है जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जम्मू है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तो एक इलेक्टेड जो कॉरपोरेटर्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, उन लोगों के व्यूज पहले लेने चाहिए थे, जनरल पब्लिक के व्यूज लेने चाहिए थे, सिविल सोसाइटी के लोगों के, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के,
डिफरेंट ट्रेडिंग जो एसोसिएशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके व्यूज लेने चाहिए थे। किसी के व्यूज आपने लिए नहीं और आर्बिट्रेरली एक दिन आप शाम को बैठते हो, बैठ करके ये एसओ जो है इसको नोटिफाई कर देते हो पब्लिक डोमेन में। ये जब आया तो लोगों में बड़ा रोष है। आप प्रेस के लोग हो, आपने खुद लोगों को पूछा होगा, लोगों से बातचीत की होगी, और हम ये चाहते हैं कि जब तक इस इशू पे डिस्कशन नहीं हो जाती, सारी सिविल सोसाइटी के लोग इस पे बातचीत नहीं करते, तब तक ये जो एसओ है इसको अबेयंस में रखना चाहिए और इमीडिएटली इसको विड्रॉ करना चाहिए। बार एसोसिएशन जम्मू, हम यहाँ से आपको, आपके मीडियम से एडमिनिस्ट्रेशन को ये बता देना चाहते हैं कि अगर ये एसओ विड्रॉ नहीं हुआ विद इन दीज 2-3 डेज, नेक्स्ट जो कमिंग वीक है उस वीक में हम कोई ऐसा एक फैसला दे देंगे जिससे हम पूरे जम्मू सूबे के लोगों को, रादर हम कश्मीर सूबे के लोगों को भी ये बात कहेंगे कि आप सभी को इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए और पूरी स्टेट जो है, यूटी जो है, ये बंद रहनी चाहिए।